हेलो एवरीवन, टुडे आई विल एक्सप्लेन क्लास सेवन्थ सिविक चैप्टर नंबर वन क्वेश्चन आंसर्स. सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन अ डेमोक्रेसी व्हाई इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इम्पोर्टेंट. एक डेमोक्रेटिक कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्यों इम्पोर्टेंट है. एंड द आंसर इज द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट is based on the idea of equality because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the community he or she belongs to, has one vote. मतलब जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, जो फ्रेंचाइज है, वो इस आइडिया पे बेस्ड है कि हर एक पर्सन जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, जेंडर, कलर, द प्लेस ऑफ बर्थ, और एक पर्सन जो कि 18 ईयर ऑफ एज है या उससे ऊपर है, उसको वोटिंग का हक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज री रीड द बॉक्स ऑन आर्टिकल 15 दैट इज गिवन इन योर बुक एंड स्टेट टू वे इन विच द आर्टिकल एड्रेस इनइक्वालिटी. जो आर्टिकल 15 है उसमें क्या बताया हुआ है, टू वेज क्या बताए हुए हैं जो इनइक्वालिटी को एड्रेस करते हैं. सो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया गया है ऑन द ग्राउंड ऑफ उसके रिलीजन को लेके, उसकी कास्ट को लेके, उसके जेंडर को लेके और उसके प्लेस ऑफ बर्थ को लेके. लाइक किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, लाइक वो मेल है या फीमेल है, उसके वर्क प्लेस पे, ठीक है, उसके प्लेस ऑफ बर्थ को लेके, लाइक वो चाहे वो किसी सिटी में, किसी बड़ी सिटी में उसका जन्म हुआ है या किसी ट्राइबल एरिया में उसका बर्थ हुआ है, सबको क्या है, इक्वल राइट्स दिए जाएंगे. द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. फर्स्ट पॉइंट, एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम. किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. नो सिटीजन शैल ऑन No citizen shall be discriminated on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability or condition with regard to. मतलब अगर वो disable है, उसकी कोई liability है, उसकी कोई देनदारी है, तो उसके ground पे भी उसको discriminate नहीं किया जाएगा. Access to shops, place, public restaurants, hotel and place of public entertainment. वो कहीं भी जा सकता है. शॉप पे कहीं भी, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, चाहे वो लोअर कास्ट है, अपर कास्ट है, पब्लिक रेस्टोरेंट में जा सकता है, होटल में जा सकता है और किसी भी पब्लिक एंटरटेनमेंट वाले प्लेस में, चाहे वो सिनेमा घर हो गया, अम्यूजमेंट पार्क हो गया, किसी सर्कस में या व्हाटएवर. ओके, यहाँ पे दूसरे लोग जाते हैं. द यूज ऑफ वेल स्टैंड, बाथिंग घाट, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड होली और पार्शली आउट ऑफ स्टेट फंड आर डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक. मतलब वो कोई भी वेल को, टैंक को, बाथिंग घाट जो यहाँ पे नहाने वाले होते हैं, रोड को, प्लेसेस, पब्लिक कोई भी प्लेस हो गया, पार्क हो गया, चाहे वो वहाँ पे भी जा सकता है, उसके लिए वो फंड भी दे सकता है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट वेज वाज ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट ऑफ अंसारी. मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि और जो एक्सपीरियंस किया, जो मिस्टर अंसारी ने एक्सपीरियंस किया था, वो कैसे सेम था.
So the answer is the dignity of both Om Prakash Valmiki and the Ansari was violated because of the way in which they were treated. By picking on him and making him sweep the school because of its caste, Om Prakash and Ansari do not deserve to be treated like this. They deserve the same respect and dignity as anyone else. मतलब जो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो एक्सपीरियंस किया और जो अंसारी ने जो एक्सपीरियंस किया मतलब उनकी डिग्निटी जो कम हुई है दोनों की उनको ऐसे ट्रीट किया गया है एक की कास्ट को लेके बिकॉज वन इज़ मुस्लिम एंड वन वॉज दलित तो उनको ऐसा ट्रीट करने का हक किसी का नहीं है उन वो भी डिज़र्व करते हैं सेम रिस्पेक्ट और डिग्निटी जैसे दूसरे लोग करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन. What do you understand by the term all people are equal before the law? What do you think it is important in a democracy? So the answer is the recognition of equality includes some of the following provision in the constitution. मतलब सभी पीपल के कानून के सामने एक हैं. इससे आप क्या समझते हो? क्या आप समझते हो कि ये डेमोक्रेसी में इम्पोर्टेंट है? द फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ. सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल. थर्ड, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूड प्लेग्राउंड्स, होटेल्स, शॉप्स एंड मार्केट. ऑल पीपल कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड एंड बाथिंग घाट. फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड. इसका मतलब है रिकॉग्नाइजेशन फर्स्ट है एवरी पर्सन इज इक्वल, हर एक पर्सन इक्वल है कानून के सामने. सेकेंड है, किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी उसके बैकग्राउंड को लेके, उसके रिलीजन को, उसकी कास्ट को, उसके जेंडर को लेके. थर्ड है कि हर एक पर्सन जो है वो पब्लिक प्लेसेस में जा सकता है, उसको यूज कर सकता है, प्ले ग्राउंड में जाके खेल सकता है, होटल में जा सकता है, मॉल में जा सकता है. और लास्ट वन है कि अनटचेबिलिटी को फिनिश किया गया, अबॉलिश किया गया. जो भी प्रैक्टिस करता है अनटचेबिलिटी की ही और शी विल बी पनिश्ड. नाउ देयर आर सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आल्सो. फर्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय दलित एंड द आंसर इज दलित इज अ टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ. दलित मीन्स ब्रोकन and by using this word lower castes are pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against. Dalit ek term hai jo ki lower caste ke log apne aap ko address karte hain. Dalit means lower caste ke liye ye word use kiya gaya hai aur ye log jo hote hain ye matlab seriously discrimination डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं सोसाइटी के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डे मिड डे मील प्रोग्राम एंड द आंसर इज वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट इंक्लूड द मिड डे मील शेड्यूल. दिस रेफर टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद फूड लंच. मतलब ये एलिमेंट्री स्कूल्स में पुअर बच्चों के लिए या जो बच्चे स्कूल में आते हैं उनके लिए स्कीम शुरू की है गवर्नमेंट ने. ये इनइक्वालिटी को फिनिश करने के लिए की हुई है एज आई एक्सप्लेन्ड इन द चैप्टर. ठीक है, तो कुछ पुअर जो फैमिली के बच्चे हैं वो इस लालच से भी स्कूल आते हैं कि उनको मिड डे मील मिलेगा. ठीक है, कई बार क्या होता था कि जब पुराने टाइम पे जब बच्चे स्कूल आते थे वो इतने बिलो एवरेज मतलब पुअर होते थे कि भूखे होते थे, उनका पूरा टाइम सिर्फ अपनी पेट की भूख की तरफ ही जाता था तो वो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे. इसलिए गवर्नमेंट ने इन
की है, कुछ स्कीम शुरू की है और इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए, ताकि जो सभी कास्ट के लोग हैं वहाँ एक साथ बैठ के वो खाना खा सके। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द असेंशियल कंडीशन फॉर ऑल डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक कंट्री में कौन कौन सी इसेंशियल ज़रूरी कंडीशंस हैं। सो आंसर इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज वन असेंशियल आस्पेक्ट्स ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज, ऑल डेमोक्रेसीज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, असेंशियल आस्पेक्ट है डेमोक्रेटिक कंट्री का, मतलब जो पर्सन है वो अपना वोटिंग का राइट है उसको। व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, All adult those who are 18 and above citizen have the right to vote irrespective of their social or economic background. Universal adult franchise means जो भी person 18 year का है उससे ज़्यादा का है उसको क्या है, हक है वोट डालने का, he can cast the vote. And the last question, what is prejudice? People on the basis of their caste, race, color, religion, etc. Prejudice means to discriminate people on the basis of their caste, race, color, religion, etc. Prejudice का मतलब होता है कि जिस person को उसकी caste को लेके, उसके color को लेके, उसके religion को लेके discrimination, भेदभाव किया जाता है, that is called prejudice. So at this note, I am going to end this chapter. If you like this video, then do like and share with your friends. Thank you and have a nice day.